बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम अयान फैमिली व्लॉग। अयान फैमिली व्लॉग में आपको दिल की अथक रंगों से वेलकम करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं। आज सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है, क्योंकि गर्मियों में तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, तो 6 बजे का टाइम है। हम घर से निकले हैं और आज मैंने जाना है अम्मी को ले कर रावलपिंडी फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पिछले दिनों अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन पहले अम्मी का ऑपरेशन हुआ लेकिन अम्मी को फिर भी तकलीफ रहती है। फिर कुछ दिनों लास्ट मंथ में अब्बू का भी ऑपरेट हुआ, अल्लाह का शुक्र है अब्बू का तो ठीक है, लेकिन अम्मी को काफ़ी तकलीफ रहती है। तो फिर आज मैं अम्मी को ले कर रावलपिंडी जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कम्प्लीट झेलम से लेकर रावलपिंडी तक कम्प्लीट जो है ना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी हम जो है ये सवावा वाली साइड से गुजर रहे हैं, डमेली सवावा वहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इतना मुश्किल हो जाता है लोकल सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा, और क्योंकि हमारा भाई नहीं है तो फिर मुझे ही साथ जाना पड़ता है। पहले तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं साथ, अम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो साथ वही जाते रहे हैं, तो लेकिन अभी उनका आज उनको छुट्टी नहीं मिल सकी काम से, क्योंकि उनकी आज इंस्पेक्शन थी तो उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा था छुट्टी का। तो फिर मैंने कहा कि चलें आप नहीं आ सकते तो चलें मैं आज चली जाती हूँ। तो फिर आज फर्स्ट टाइम मैं अम्मी के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड साथ जाते हैं क्योंकि बच्चों को साथ ले के, तो आज बच्चों को भी घर छोड़ा। तो अभी हम जो है वो रवात इंटर हो चुके हैं। जब घर से निकले थे तो सुबह सुबह थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, तो हम इतना मौसम का नहीं पता चला, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पाकिस्तान का टॉप जो बिगेस्ट मॉल में शुमार होता है, गीगा मॉल। अभी हम गीगा मॉल के पास से गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये व्यू भी शेयर करूँ। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के टॉप मॉल में इसका शुमार होता है, गीगा मॉल। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं जाऊं, उतर के जाऊं, इसके व्लॉग बनाऊं, कोई अंदर से इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, क्योंकि मैं अभी तक गीगा मॉल के अंदर नहीं गई, इसका मैंने विज़िट नहीं किया, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जाऊं। और बाय चांस वहीं पे गाड़ी रुक गई, कोई सवारी ने शायद उतरना था, तो मैंने ना फिर थोड़ा सा जूम करके ना इसका वीडियो बना लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फातिमा के बाबा के साथ ना प्लान बनाएंगे और गीगा मॉल का भी आप लोगों के साथ मुकम्मल रिव्यूज़ शेयर करूंगी मैं, इसका मुकम्मल व्लॉगों का। तो अभी हमारी गाड़ी वहां से चल पड़ी है, लेकिन क्योंकि अभी अम्मी को लेके जाना था, क्योंकि हमें 9 बजे से पहले पहले वहां पे पहुंच जाना था, वरना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है हॉस्पिटल में। तो सुबह 6 बजे निकलते हैं बहुत जल्दी, ताकि हम 9 बजे आसानी से पहुंच सके, लेकिन फिर भी लोकल सफ़र में टाइम का तो पता ही नहीं चलता, ऊंच नीच हो जाती है। अभी हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, लेकिन टाइम जो है वो 9 हो चुके थे, अल्लाह करे अब हमें वहां पे कोई मुश्किल ना हो। और ये देखें जी, हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं, और हॉस्पिटल में मेन गेट से लेकर हॉस्पिटल तक कम अज़ कम भी 1 से 1.5 किलोमीटर है, तकरीबन 1 किलोमीटर तो मस्ट होगा वहाँ से पैदल चल के जाना है। कभी कभी मरीज़ों के लिए गाड़ी होती भी है, लेकिन आज हमें नहीं मिली, हम पैदल वहाँ से चल के आए हैं, काफ़ी दूर है। और ये देखें जी, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल हम आ चुके हैं। और यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर वेटिंग एरिया बहुत बड़ा है, आराम से बंदा वेट कर सकता है। और ये जो है अम्मी गई हुई हैं पर्ची बनवाने के लिए, तो वहाँ पे वो जस्ट मरीज़ अलाउ है कि मरीज़ खुद आए और कोई उसके साथ ना हो एक एक करके। तो फिर अम्मी कहती है तुम यहीं पे रुको, तो अम्मी चली गई हैं पर्ची बनवाने के लिए। और हम 9:25 पे हॉस्पिटल में आ चुके थे, और वहाँ पे वेट कर करके इतनी मुश्किल से पर्ची बनी। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जब आए, वहाँ पे भी इतना रश था, तकरीबन हमें डॉक्टर के पास 2 घंटे लग गए। फिर वहाँ से निकले, उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के अम्मी के दिए, क्योंकि अम्मी का जो है ना वो ब्लड बहुत कम था, ब्लड पॉइंट जो बहुत थोड़े थे, तो वो डॉक्टर ने बोला था कि इनका ना एक और ब्लड टेस्ट करवाएँ। तो अब हम अम्मी का ब्लड टेस्ट करने, यहाँ पर भी रश, यकीन करें घर से जितना मर्ज़ी बंदा जल्दी निकल जाए कि नहीं हम जल्दी चले जाएंगे, जल्दी हमारा काम हो जाए, क्योंकि वापस आना जेहलम से रावलपिंडी, रावलपिंडी से फिर वापस जेहलम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
तो यहाँ पे वो अम्मी के लिए ले रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं। और यकीन करें अम्मी का इतना ब्लड कम आया है कि उन्होंने पहले इंजेक्शन लगाया तो अम्मी का ब्लड ही नहीं आया। ये देखें यहाँ पे वो लगे हुए हैं लेकिन अम्मी का ब्लड आया ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने हथेली से लिया है तब जाके कहीं वो भी थोड़ी सी सिरिंज जो है ना वो ब्लड निकाला ने। ये अभी पहले देख रहे हैं बाजू पे लेकिन यहाँ पे उन्हें नहीं मिला। अब ये निकाल रहे हैं बाजू से, यहाँ से फिर इन्हें कम अज़ कम आधी सिरिंज जो है ना वो ब्लड इन्होंने लिया। कह रहे हैं कि जस्ट सैंपल के लिए थोड़ा सा निकालें। फिर उन्होंने काफ़ी अम्मी को ताकीद की है कि आप अपनी खुराक का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें क्योंकि आपका ब्लड जो है ना वो बहुत कम हो रहा है और आपका कलर भी जो है ना वो बिल्कुल येलो सा हो गया है, तो आप अपना ख्याल रखें। अगर आपका ब्लड ऐसे ही कम होता रहा होगा तो फिर आपको जो गले का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि कुछ अर्सा पहले अम्मी का ऑपरेट हुआ था गले का, जो अम्मी की खुराक वाली नाली थी वो रिमूव करके जो आर्टिफिशियल नाली होती है मसनूई नाली वो डाली गई है, लेकिन फिर भी वो कुछ सेट नहीं हो रही, दर्द रहता है। तो अब अल्लाह का करम है कि अब कुछ बेहतर है, लेकिन ये ब्लड वाला मसला बन गया। तो वहाँ से फिर फारग होके फिर ये मेडिकल स्टोर, यहाँ पे भी लाइन, आप किसी भी जगह चले जाओ लाइन में लग लग के बड़ा बंदा जलील हो जाता है। हॉस्पिटल वगैरह में इतना रश होता है जिसका कोई शुमार नहीं। अब हम जो है कहें कि आगे से जाने के बजाय हम हॉस्पिटल की बैक साइड से निकलते हैं ताकि हम जल्दी बाहर निकल जाएं क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। तो अभी हम ये हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं और इनकी पार्किंग बहुत बड़ी है, इस हॉस्पिटल की पार्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह 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 फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी अम्मी और मेरे अबू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको सेहत दे और सबके तमाम मेरे जितने भी वजन सबके बहन भाइयों के वालदैन का साया तक क़यामत सलामत रखें आप सब लोगों पर। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। और ये इनकी सारी पार्किंग चेक करें, बहुत पार्किंग है यहाँ की और हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।